स्वतंत्रता दिवस की झांकी पर हुआ झगड़ा, टीएमसी बोली सीए के विरोध की वजह से कटा पत्ता, बीजेपी का पलटवार। राजस्थान के कोटा अस्पताल में दिसंबर महीने में 100 बच्चों की मौत, बीजेपी ने सोनिया राहुल गांधी पर साधा जमकर निशाना। कोटा में 100 बच्चों की मौत पर मायावती का प्रियंका गहलोत पर निशाना, कहा अशोक गहलोत के खुद की और उनकी सरकार की उदासीनता गैर जिम्मेदाराना रवैया को करता है जाहिर। जेके लॉन अस्पताल में 100 बच्चों की मौत पर घिरे गहलोत की सफाई, कहा सरकार संवेदनशील, ना हो राजनीति। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल विधानसभा में एक प्रस्ताव किया गया पास, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद बोले वैध नहीं है केरल विधानसभा का प्रस्ताव। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों में आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। खबर मध्य प्रदेश से है। इंदौर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की 5 दिवसीय बैठक गुरुवार को इंदौर में शुरू हुई। इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। संघ का फोकस ग्रामीण इलाकों और पश्चिम बंगाल में शाखाओं के विस्तार पर होगा। बंगाल में 2 साल में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रचार अभियान की कमान संभालने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मौजूदा राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए संघ की बैठक को अहम माना जा रहा है। चूंकि इंदौर संघ मालवा प्रांत का मुख्यालय है, इसलिए बैठक यहाँ हो रही है। सूत्रों के अनुसार शुरुआती 3 दिन अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जबकि 1 दिन सभी 56 अनुसंगिक संगठनों के शीर्ष पदाधिकारी राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठेंगे। मध्य क्षेत्र की इकाई के विभाग प्रचारकों की बैठक का भी एक सत्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी को तुमकारू में होशंगाबाद जिले की महिला किसान कंचन वर्मा और शिवलता मेहता को गेहूं और चना में अच्छी उत्पादकता के लिए सम्मानित करेंगे। दोनों किसान परिवार के साथ तुमकारू पहुंच गए हैं। यह पुरस्कार क्रमशः 2016-2017 और 2017-18 के लिए दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री महिला किसानों को प्रगतिशील किसान कृषि क्रमण करेंगे। प्रदेश सरकार को कृषि क्रमण जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए 2 करोड़ रुपए की राशि भी दी जाएगी। किसान कंचन और उनके पति शरद ने बताया कि जिस खेत में हमने गेहूं लगाया था वहां पहले कभी ब्लोर के फसल लेते थे, सालों साल पत्तियां वहीं खेत में गिरकर मिट्टी में मिलती रहती थी, इससे भी खेत की उर्वरता बहुत अच्छी रही। फाउंडेशन का 3,000 रुपये प्रति क्विंटल वाला 322 किस्म का गेहूं बीज डाला था। खबर भोपाल से है। भारतीय निकेतन में पूर्व गृह मंत्री सत्यदेव कटारे के छोटे बेटे योगेश कटारे ने मंगलवार देर रात कांग्रेस नेता को गोली मार दी। मकान के बाड़े में घुसकर अलाव से हाथ तापने को लेकर दोनों में बहस हुई थी। गनीमत रही कि गोली दाहिने हाथ की छोटी उंगली में लगी थी। गोविंदपुरा पुलिस ने योगेश और उसके साथी के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कर लिया है, लेकिन उसे गिरफ्तार अब तक नहीं कर पाई। मंगलवार रात करीब 12 बजे ये वारदात बाग फरहत अफजा निवासी 52 वर्षीय इकबाल खान के साथ हुई। कुरियर कंपनी में काम करने के साथ साथ वह कांग्रेस के जिला महामंत्री भी हैं। टीआई अशोक सिंह परिहार ने बताया कि मंगलवार रात इकबाल भारतीय निकेतन में रहने वाले अपने दोस्त सत्यजीत चौहान के घर जा रहे थे। सत्यजीत के मकान के पीछे पूर्व गृह मंत्री सत्यदेव कटारे के बेटे योगेश का मकान भी है। रास्ते में इकबाल को योगेश अपने दोस्तों के साथ अलाव पर आग तापते नजर आए। बढ़ते आगे। भोपाल में वोट क्लब के पास बड़े तालाब के अंदर मंगलवार को नए वर्ष का आगाज जश्न भोपाल कार्यक्रम से हुआ। इसके चलते यहां देर रात तक आतिशबाजी और शोर शराबा हुआ। इसका सबसे ज्यादा असर बुधवार को प्रवासी पक्षियों पर दिखाई दिया। दरअसल बुधवार सुबह वन विभाग विहार की पक्षी विथिका में प्रवासी पक्षी कम नजर आए। वर्ड वॉचर और पर्यावरण विंदों के मुताबिक ऐसे आयोजन शहर के किसी और क्षेत्र में भी हो सकते हैं जहां पशु पक्षियों पर इसका असर ना पड़े। इस जश्न के कारण प्रवासी पक्षी उड़ गए हैं। ऐसे में जिन पर पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी है उन्होंने ही नियमों का उल्लंघन किया है। इसमें नगर निगम, पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग शामिल है। पर्यावरण विंदों के मुताबिक बुधवार को वन विहार और बड़ी झील की जल सीमा पर इन दिनों लेसर विस्लिंग ट्विल्स कॉमनटेल सारस भी नहीं दिखाई दिए।
तो ये खबर एमपी के बालाघाट और सिवनी जिले में बेमौसम बारिश के बाद गुरुवार की रात को जमकर ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि का फसलों पर बुरा असर पड़ा है, इससे किसानों को चिंता बढ़ गई है। बालाघाट के बिरसा जनपद के कई गांव में खेतों और सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई है। वहीं सिवनी जिले के 40 से 50 गाँव में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। बिरसा जनपद के गाँव जंगला में खेतों से लेकर सड़क, घरों और खेतों तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। इसके अलावा अन्य गाँव से भी ओलावृष्टि की सूचना मिल रही है। मौसमी फसलों और सब्जी की खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दलहन की फसलों पर बुरा असर पड़ा है। ओले की मार से फसल खेतों में बिछ गई है। ग्राम मेहगांव के एक पीड़ित किसान ने बताया कि ओलावृष्टि बहुत ज्यादा हुई है, इससे खेती को नुकसान हुआ है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।